हाँ, नाकामियाँ यूं होती हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। आप सोचते हैं अब शादी के बाद यूं होगा, ऐसा होगा, मुझे इंडिपेंडेंस मिलेगी, मैं घूम फिर सकूंगी, मुझे आज़ादी होगी। आज़ादी क्यों क्यों भाई, किस चीज़ की आज़ादी? शादी का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप ये सोचें कि मेरी शादी होगी और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, मुझे ससुराल का करना पड़ेगा, मुझे आगे चल के बच्चों का पढ़ना, जाते साथ तो शौहर का करना पड़ेगा, फिर पूरे ससुराल को देखना भी पड़ेगा, आगे चल के बच्चे होंगे उनको भी देखना पड़ेगा, बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप सोचती हैं कि मैं शादी करूंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे निभाना है रात दिन, आपके टाइमिंग्स होंगे सोने जागने उठने बैठने के, फ्रेंड्स में जाने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, ये नहीं कि नए कपड़े मिले रोज मटक मटक के आप बाहर जा रही हैं पहन पहन कर और शो ऑफ कर रही हैं, नहीं, हांडी रोटी भी करनी पड़ेगी, जॉब भी करनी पड़ेगी, घर को टाइम भी देना पड़ेगा, हस्बैंड को टाइम देना पड़ेगा, ससुराल वालों को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए तैयार है तो शादी करें। अच्छा, शादियां वहां टूटती हैं जहां पे लोग ये समझते ही नहीं है, माँ बाप ने उनको ट्रेन ही नहीं किया होता, माँ बाप ने उनको थोड़ा सा बताया ही नहीं होता, बेटा बाप घर में जा रही हैं, यहाँ पर तो हांडी रोटी पकाई नहीं पकाई, सो रही हैं आप 12-12 बजे तक, ये क्या तरीके हो रहे हैं भाई, नौक किसी ने कर दिया तो आप अंदर से शोर मचा रही हैं, आपको समझ में नहीं आया कि आप सुबह उठेंगी और रात को सोएंगी, अगर टाइम मिला तो बीच में सोएंगी। हाँ। अगर ये आपको ट्रेनिंग दी गई है, सख्त ट्रेनिंग जैसे आर्मी में जाने वालों को दी जाती है, ऐसे अगर बच्चियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो उनका घर टूटेगा।